और डायरेक्ट घर पे आ गया, नुकसान हुआ है और अच्छा खासा बड़ा नुकसान हुआ है। सुबह के बज रहे हैं 6:55 और अपनी सुबह हो गई है और वही कर रहे हैं हम लोग जो रोज करते हैं। सबसे पहले गोट रूम में जा रहे हैं, आज नहीं दिखा वो तरफ। ओ क्या जुगाली कर रहे हो, मस्त बड़ी बड़ी जुगाली, ऐसी जुगाली होनी चाहिए बकरों की। देखिए हमारी सवेरे हो गई है, गोट रूम में आ गए हम लोग, यही है हमारा रूटीन। और अब सबसे पहले तो मैं रूम की साफ सफाई करूँगा और उसके बाद करूँगा फटाफट से बोर के ऊपर ट्रीटमेंट। भाई क्या कर दिया भाई सुबह सुबह। सुबह सुबह पिचकारी मार रहा है, फटाफट से जाते और बोर की ट्रीटमेंट करते। मस्त लग रहा है, मस्त बड़ी बड़ी जुगाली देख के ना दिल खुश हो जा रहा है। और एक दिन एक्टिव देख के कितना अच्छा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा होगा। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सारे ट्रीटमेंट हो गए बोर पे, सवेरे सवेरे ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, कल भी किया था, दिन भर आराम किया मैंने। ये फंस गया, दिन भर आराम किया मतलब दिन भर फ्री हो जाता हूँ। आज भी सवेरे उठ के पूरा ट्रीटमेंट कर दिया, 7:21 मतलब 19 मिनट में सारी चीज़ें हो गई। तो अभी हो गई हमारे दिन की शुरुआत, बकरे सेट है, बस पत्ती नहीं है आज तो चिल्ला रहे, तो और भूसा और हरी पत्ती है तो वो खाएंगे आज। दो दिन से बड़ का पत्ता खा रहे थे तो उसकी हैबिट हो गई थी, तो अभी ये डाल दिया तो चिल्ला रहे, जब तक है सामने तो खाएंगे। आ जाएगी बड़ की पत्ती तो बड़ की पत्ती डाल देंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो टाइम हो रहा है 9:05 और अब जा रहा हूँ मैं जिम, जल्दी जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आज लेग्स डे और लेग्स डे में थोड़ा टाइम लग जाता है वर्कआउट के लिए। तो फटाफट गाड़ी निकालते चलते। चलो जिम, जल्दी आने की एक वजह और भी है कि जब सवेरे जल्दी जल्दी आते हैं ना तो जिम में ज़्यादा गर्दी होती नहीं है, तो ज़्यादा गर्दी नहीं रहती है ना, तो मेरे रहते हैं सारे सुपर सेट्स, और सुपर सेट्स ऐसा रहता है कि एक वर्कआउट करो और तुरंत दूसरे वर्कआउट की तरफ भागो, तो सब अगर गर्दी होगी ना तो गर्दी में करने को नहीं जमता है, इसलिए मैं सवेरे जल्दी भी आ गया और ये लेग्स डे के दिन स्पेशली। तो टाइम हो रहा है 11:30 और अपना वर्कआउट हो गया, 9:30 आए थे और 11:30 जा रहे हैं। खतरनाक वाला वर्कआउट हुआ है, पैरों में तो ताकत ही नहीं है, कैसे चल रहा हूँ मेरे दिल को पता है। पिछले हफ्ते जो हम लोगों ने लेग्स का सुपर सेट मारा था 99 kg से, अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते आज मैंने 114 kg से सुपर सेट मारा है, उसकी वजह से हालत ख़राब है। 2 घंटे पूरे लग गए जिम में, पूरा एग्जॉस्ट हूँ। चिकन वाले को चिकन के लिए बोल दिया, फटाफट जाता हूँ चिकन लेता हूँ, और घर पर नाश्ता भी करके नहीं आया था, प्री वर्कआउट जो बोलते हैं वो भी करके नहीं आया था मैंने, उसकी वजह से और हालत ख़राब हो गई। विदाउट प्री वर्कआउट मतलब कुछ खाए बगैर हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए मेरे जैसे में, मगर जल्दी आने के चक्कर में मैंने स्किप कर दिया। तो चलो फटाफट जाते हैं चिकन लेते हैं और घर पे खाते। तो मैं जिम से निकला, चिकन लेने जा रहा था, मगर बीच में एक ऐसा हादसा हुआ कि मैं नहीं गया और डायरेक्ट घर पर आ गया, नुकसान हुआ है और अच्छा खासा बड़ा नुकसान हुआ है। केयरलेसनेस जो बोलते हैं, मगर अभी तक नहीं हुआ था, आज हुआ तो क्या कर सकते, देखो क्या हुआ। ये जो अपना व्लॉगिंग सेटअप है ये गिर गया गाड़ी पे से और इस पे से कार चली गई। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया, तो पूरा खत्म हो गया है वो, मगर गोप्रो चल रहा है, तो अभी इसको फटाफट से ठीक करता हूँ, खाता हूँ
और फिर मिलता हूँ। एनर्जी डाउन लो नहीं होनी चाहिए, ये है ज़िंदगी, इसमें उतार चढ़ाव सब आएंगे, नुकसान फ़ायदा सब होगा। तो चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। लकीली अपना जो माइक एडेप्टर है वो अच्छा है, सबसे महंगा तो यही आता है और उसके बाद ये सबसे महंगा ये आता है, फिर माइक एडेप्टर, ये भी ठीक है, कुछ नहीं हुआ, अच्छा होगा। इसको मैंने स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ था तो ये भी ठीक है स्क्रीन इसकी, बस ये सामने से डैमेज हुआ है, मगर ये चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और ये तो पूरा गया, जो कवर है यूलानजी का ये पूरा गया देखो, और ये भी चल जाएगा, बस इसके ऊपर का ये रबर निकला हुआ है, ये भी चल जाएगा। और ये तो पूरा गया माइक, ये नया लेना पड़ेगा और ये नया लेना पड़ेगा। तो चलो नया ऑर्डर करते हैं। सेटअप लगा दिया गोप्रो में और जो माइक है अपना पुराना वाला, क्या पसीना आया हुआ है मुझे, फटाफट अभी फ्रेश होता हूँ, खाता हूँ और चिकन लेने जाता हूँ, क्योंकि चिकन वाले को तो चिकन बोला था मैंने रेडी करने के लिए, मगर बीच में ये हादसा हो गया, तो फटाफट जाते चिकन लाते, पहले खाते। हो गए तैयार आप? चलो। तो ये अपना नाश्ता रेडी है, फटाफट खाते हैं और जाते हैं। मैंने अपनी डाइट खाई और चला गया चिकन लाने, चिकन विकन लाया, अभी गोट रूम में जा रहा हूँ, देखते सब तो ठीक है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। अभी मैं जा रहा हूँ मनीष भाई के पास, एक स्क्रू ड्राइवर है, वो स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है इसको बनाने के लिए, फटाफट जाते और बना के लाते, मैं गोप्रो में ही व्लॉग कर रहा हूँ। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो जहाँ गया था वहाँ से आ गया, बना नहीं, ये मैं खुद ही बना लूँगा अभी। और देखो इसको फिर से मालवा मार रहा था, बोर को मालवा फिर से मार रहा था, तो इसके लिए घर वालों ने इसे बाहर बांध दिया, तो अभी ये दोनों को बांध के रखेंगे, क्योंकि उसकी भी एक वजह है, पहली वजह मालवा इसको मार रहा है तो ये सेफ रहेगा, मालवा भी सेफ रहेगा, और एक चौथा जानवर भी आने वाला है तो उसके लिए भी जगह बनानी है उस वजह से। तो चलो फटाफट जाते हैं, अभी फ्रेश होते हैं और इसे बनाते हैं। तो फ्रेश हो गया मैं, बस बैठा था ऐसे ही, कुछ काम कर रहा था, बैंक के काम कर रहा था, 1.5 साल से बिजनेस बंद है, मगर गवर्नमेंट को सारा एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता है, तो वही सारा काम कर रहा हूँ कि आईटी फाइल करनी है, तो वो करता हूँ और मिलता हूँ। और मैंने नए मेरे गैजेट्स का ऑर्डर दे दिया है, जो यूलानजी का केस था ब्लॉगिंग केस उसका ऑर्डर दे दिया है, और जो माइक टूटा था उसका ऑर्डर दे दिया है। मेरे पास एक ऑलरेडी माइक है, मगर वो जो माइक था ना पोर्टेबल था, इतना सा ही माइक था और बहुत अच्छा था, तो कहीं पे भी मैं आसानी हो जाती थी मुझे ट्रैवल करने में, और ज़्यादातर मैं ट्रैवल ही करते रहता हूँ, उस वजह से मैंने माइक मंगाया था। तो वो दोनों चीज़ मैंने ऑर्डर कर दी है, शायद शाम तक आ जाएगा। मगर मैं एक बात आपको बताऊँ, अगर ये यूलानजी का केस नहीं होता ना, तो मेरा जो गोप्रो है वो पूरा चकनाचूर हो जाता, और नुकसान तो हुआ है। तो इसके लिए हमेशा अच्छी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करो, जैसा ये यूलानजी का केस है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो इससे चीप भी आता है, तो मैंने वो चीप नहीं लिया, मैंने एक्सपेंसिव के तरफ गया, क्योंकि क्वालिटी एक मेरे सामने कार चली गई इस पे से। दरअसल क्या हुआ, मैं जैसा लास्ट शॉट लिया, मैंने वो शॉट लिया, कैमरा बंद किया, और जो बर्गमैन है जो अपनी राइट साइड में, उसके ना एक सामने कंपार्टमेंट आता है, तो मैंने उसमें वो डाल दिया, और मैं जैसे निकला आगे की तरफ, आगे जैसा जा रहा था, मैं घर के करीब था, तो एक ना पोटोल था वहाँ पे, तो पोटोल में गाड़ी जंप करी और वो जंप करके उसमें से बाहर निकल गया वो कैमरा, और जैसे ही कैमरा नीचे गिरा तो सामने से एक कार आ रही थी, मैंने कार को हाथ दिखाने तक वो कार वाला उसके ऊपर से चला गया, रुका मगर वो कार वाला, मैंने कुछ नहीं बोला, उसकी क्या गलती है इसमें, उसमें सारी गलती मेरी है, तो उसको मैं क्या बोलूँ, तो मैंने ठीक भाई चले जाओ आप, मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैंने अपना कैमरा उठाया, बस मैंने अपने कैमरे को देखा कि गाड़ी का पहला वाला टायर उस पे से चला गया, आग बंद करी और सोचा कि जो मैं कैमरा लेने का प्लान कर रहा हूँ ऑलरेडी, वो कैमरा तो एक्सपेंसिव है और मैं अभी रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, तो बस मेरे दिमाग में ये आया, और फिर मैंने ये उठाया वहाँ से जैसे तैसे, घर पर आया, घर पर आके देखा तो चालू था, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बस एक माइक का नुकसान हुआ है और जो यूलानजी का केस है उसका नुकसान हुआ, बाकी गोप्रो तो परफेक्टली काम कर रहा है। एक्शन कैमरा, इसमें भी तो ज़्यादा पैसा लगाया है, अच्छे चीज़ों पे पैसा लगाओ। तो चलो मैं ये बैंक का काम निपटाता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। और क्या कमेंट्स कर रहे हो आप लोग यार, 45-50 कमेंट्स हो गए अभी तक, और दो नाम टॉप में चल रहे हैं उसमें,
एक तो जो है क्या नाम है मुफासा और एक नोयान। मुफासा को ज़्यादा वोटिंग्स है तो, मगर हम लोग रात तक वेट करेंगे, रात में जब व्लॉग एंड करूँगा तो मैं बताता हूँ कौन सा नाम फाइनल हो रहा है हमारे मालवा के लिए। तो चलो मैं फटाफट अभी एक काम निपटा था और फिर मिलता हूँ आपसे। तो सारे काम हो गए, अब थोड़ा बकरों पे भी ध्यान देते हैं। बाहर बोर बंधा हुआ है, घर वालों ने बाहर बांधा था उसे, तो हरी पत्ती उसे दे देते बाहर ही, खाया तो ठीक। थोड़ा थोड़ा भी खाया चलेगा, अपने मुंह से खाना चाहिए बस। ये बड़ा चिल्ला रहा है, क्या हुआ तेरे को, मारता है उसको अंदर रहा तो। तो चलो थोड़ा इधर का देखते हैं क्या करना है, कुछ तरतीब बनाते सेट करते हैं इनको। पानी वानी सवेरे ही रख दिया था मैंने, करता हूँ चलो थोड़ी देर में मिलता हूँ फिर से। शाम के बज रहे हैं 4:30 और फीडिंग का टाइम हो चुका है, 5 बजे फीड डालता हूँ मैं। तो बहुत देर से सवेरे से बाहर ही नहीं लिया जानवरों को, तो इसलिए बाहर ले लिया तीनों को भी। तो थोड़ा साफ़ सफाई भी कर लेंगे और तीनों बाहर थोड़ा सा खुर भी मार लेंगे। तो ज़रा फटाफट से साफ करता हूँ और आता हूँ, फीड डालते टाइम मिलेंगे डायरेक्ट। तो ये हो गया अपना बाड़ा क्लीन। मैं सोच रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म है ना, ये उठा दूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म रहता है ना फिर ज़्यादा जम जाता है कचरा, और वो कचरा फिर निकालना 15 दिन के बाद भारी पड़ जाता है। तो मॉनसून जब स्टार्ट होंगे तो मॉनसून में हम लोग ये डाल देंगे प्लेटफॉर्म, क्योंकि मॉनसून में नीचे बकरे ज़्यादा टॉयलेट करते हैं इसलिए गीला हो जाता है, तो वो हिसाब से मॉनसून में डाल देंगे। मैं सोचता हूँ अभी निकाल दूँ इनको, साइड में ही रख दूँ खड़ा करके, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में क्या क्या बोलते हैं आप लोग, निकालना चाहिए या रहने देना चाहिए। चलो फटाफट, ये करने के लिए ना, ये जो साफ़ सफाई करने के लिए, पत्ते तोड़ के लाने के लिए, जानवरों की केयर टेकिंग के लिए एक बंदा था मेरे पास, वो काम किया करता था यहीं पर रहता था। वो लास्ट 1 ईयर से वो मेरे पास नहीं है, वो कहीं और काम कर रहा है, वो यहाँ से चला ही गया। तो जाना था उसको, चला गया वो। ज़िंदगी में हर किसी को आगे बढ़ने की चाहत होती है और उसको बढ़ने देना चाहिए, ना कि उसको पीछे से खींच के रोकना चाहिए। तो उसकी नसीब में जो था वो चला गया और वो कर रहा है, और अपने जानवर अपना शौक है तो अपने को तो करना ही पड़ेगा, हम थोड़ी कहीं जा रहे हैं। तो मालवा कैसा बैठ गया आराम से, आराम कर रहा है। बोर बैक टू नॉर्मल आ रहा है, मगर अभी तक भी पूरा रिकवर नहीं हुआ है, मगर हो रहा है, हो जाएगा और एक दिन में इंशाल्लाह। टाइम हो गया है 5:10, अभी फीडिंग टाइम है, तो फटाफट बकरों को अंदर डालते, तीनों बकरे बाहर ही है। तो चलो फटाफट बांध रहे हो गया मेरे साथ, आ जाओ। चलो दाना डाल दिए बकरों को, बकरे खा रहे हैं। बोर को बस इतना सा डालो, इतना सा मतलब समझो ना कि 20 ग्राम भी नहीं होएगा, थोड़ा सा मूवमेंट में आने के लिए बस। बाकी पत्ती अत्ती तो खा ही रहा है वो, हो जाएगा इंशाल्लाह वो भी। बाकी कोटा और मालवा खा रहे ठीक ठाक है, जैसा मैं फीड खिलाता हूँ, जो मेरा अलग अलग चीज़ें जो मैं खिलाता हूँ वैसा अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है वो लोगों को, बस नॉर्मल फीड खिला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं वो। ऐसा मुझे जब लगेगा कि हाँ अब ये लोग मेरी लाइन पे चलने के लायक हो गए, उनको भी ले लूँगा और आप लोगों को बताया करूँगा क्या खिलाता और क्या नहीं। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, अभी सेकेंड राउंड डालने जाना है जब ये ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड राउंड आई थिंक सो, अभी देखो 5:20 हो रहा है, तो 15 मिनट में फर्स्ट राउंड ख़त्म हो जाना चाहिए, सेकेंड राउंड जाएंगे अपन 5:45 को, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो अपना सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया, डाल दिया मैंने, खा रहे हैं सब। अपना जो बोर है वो आराम कर रहा है, जुगाली कर रहा है बैठ के, उसको उसका कोई लोड नहीं, उसको आराम करने देते। अभी जाते घर में फटाफट से, असर का वक्त हो चुका है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। देखो आइसक्रीम खा रहे बच्चे लोग, बाहर गए थे ये लोग, बाहर गए थे अब्बू को छोड़ के। हाँ तो चलते अंदर और थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। तो रात के बज रहे हैं 20:22, मतलब 8:22, और मैं जब घर में आया असर पढ़ के जो सोया हूँ, मगरिब में उठा, फिर उसके बाद जो गोट रूम में काम में लग गया मैं, तो अभी फ्री हुआ हूँ।
अभी फ्री हुआ और बात कर रहा था वही बोरा बाजार वाले अपने रशीद भाई से, वो मेरा पार्सल जो था वो पार्सल आ गया, जो सवेरे जो अपनी चीज़ें टूटी है वो सारी चीज़ें मैंने मंगा ली, तो वो आ गया, तो वही लेने जा रहा था मैं। तो मैं सोचा जाने से पहले ये ब्लॉग को एंड कर। और जो आप लोगों को नाम मैंने बताए थे, तीन नाम मैंने बताए थे जिसमें नोयान और मुफासा, ये बहुत आगे चल रहा है। ये जो नाम का वोटिंग है इसको हम लोग कल मॉर्निंग तक रखते हैं, कल का पूरा दिन रखते हैं, और कल वाले व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मालवे का नाम हम लोगों ने क्या डिसाइड किया। मुफासा और नोयान में बहुत खतरनाक वाली ये चल रही है, तो कल जब ये डिसाइड करेंगे आप लोगों के वोट के थ्रू, मैं चाहता हूँ क्या सब्सक्राइबर्स ने दिया हुआ नाम का कोई एक बकरा रहे, तो वो उसी लिए मैं ये कर रहा हूँ। सब्सक्राइबर्स लोगों ने जो बोला एक वो नाम का जानवर अपने बाड़े में होना चाहिए, वो मेरी एक टेंडेंसी है, तो आप लोग लगे रहिए। जिन लोगों ने अब तक वोट नहीं किया वोट कीजिए, जिन लोगों ने अब तक सजेस्ट नहीं किया वो लोग सजेस्ट कीजिए, और इजाज़त दीजिए मुझे, कल फिर मिलता हूँ आपसे। बच्चे लोग खाना खा रहे हैं, मुझे फटाफट जाना है, इसलिए एंड कर रहा हूँ। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ताला, वीस्ता, बाय।